बुलंदशहर। दलित किशोरी को जिंदा जलाने का मामला, डीएम एसएसपी पहुंचे मृतका के घर। राजनैतिक दलों के नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। मामले में पुलिस अब तक 5 नामजद आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। अगस्त महीने में पीड़िता से हुई थी रेप की वारदात, आरोपी पक्ष के लोगों पर पीड़िता को जिंदा जलाने का आरोप। कल पीड़िता के घर दिया गया था वारदात को अंजाम, इलाज के दौरान कल शाम हुई थी पीड़िता की मौत। दोपहर के बाद गांव पहुंचेगा मृतका का शव। शासन के अधिकारी मौजूद हैं और रात से ही हम लोग उसमें फॉलो अप कर रहे हैं। यहां से एसपी क्राइम है, तहसीलदार हैं, वहां के आरएमएल की अथॉरिटी, वहां की पुलिस अथॉरिटी से हम लोग कंटिन्यूसली संपर्क में हैं। वहां का रूल है कि कोविड का टेस्ट होने के बाद ही होता है, कोविड का टेस्ट करवाया गया है, नेगेटिव आया है। अभी पीएम की प्रक्रिया चालू हो गई है, एज सुन एज पीएम खत्म होता है वहां पे एम्बुलेंस ऑलरेडी लगी हुई है, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, हम उनको सुरक्षित यहां तक ले आएंगे, मोस्ट लाइकली आज शाम तक आ जाना चाहिए। सुरक्षा की डिमांड कर रहा था लेकिन उसके बाद भी सब पुलिस ने उसको एकदम बहुत ढिलाई से उस पूरे मामले को लिया, आपको नहीं लगता है कि पहले ही लुकआउट करते तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इतना ये सब कुछ नहीं होता? देखिए, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं देखकर निगरानी की जा रही है और इसलिए चूंकि महिला का केस है तो महिला क्षेत्र अधिकारी जो वंदना शर्मा है उनको इंक्वायरी दी गई है और इसमें मैं आपको इतना आश्वस्त दिला सकता हूं जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें किस तरीके से पता लगा, आग कैसे लगी, कौन लगाया, कुछ क्लियर हुआ? देखिए, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी ऑफिसर का जो भी रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई, इतना मैं आश्वस्त दिला सकता हूँ कि जो भी दोषी रहेंगे, सरकार भी बहुत संवेदनशील है और हम लोग भी संवेदनशील हैं इसके प्रति, जो भी होगी सख्त कार्रवाई। मौके से फॉरेंसिक जांच वगैरह कराई गई थी, उससे क्या निकल के आ रहा है? देखिए, हमारी जो विज्ञान प्रयोगशाला की टीम जनपद स्तर की है उसके द्वारा आकर के जितने भी पॉसिबल एविडेंसेज मौके पर उपलब्ध थे उन सबको कलेक्ट कर लिया गया है और उसके बाद जो है फिर इसको सील करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो सारी औपचारिकताएं और जो सारी कार्रवाई थी वो पूरी हो गई। लेकिन क्या सर, 2 दिन में पुलिस के ऊपर 2 आरोप लगे हैं, गैंगरेप पीड़िता का मामला और अब ये अगर शाम हो जाती है क्योंकि दिन चल जाता 5 बजे से तो हाथरस जैसी घटना ना हो, क्या बॉडी अगर परिवार कहता है क्योंकि हिंदू संस्कारों के हिसाब से सूर्य अस्त होने के बाद संस्कार नहीं होता, ऐसी स्थिति में क्या स्ट्रेटेजी, क्या सुबह तक का टाइम दिया जाएगा? देखिए, अब ये प्रश्न विशुद्ध रूप से जो उसके परिजन हैं, उसके पिता हैं, उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, पुलिस उनके साथ है और सहयोग के लिए। अब तक 7 में से 5 अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, शेष लोग की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें कई राज्यों में गई हुई, अभी महिला की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, 5 पुरुषों की गिरफ्तारी हो गई है, कुल 7 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर। सर, 2 दिन में 2 मामले आए हैं पुलिसिंग के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, गैंगरेप का मामला जिसमें सुसाइड और अब ये रेप पीड़िता के साथ, पुलिसिंग पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की दोनों मामलों में, इस पर आपका क्या कहना बतौर कप्तान? देखिए, इसमें जो है जो जिनकी गलती थी उन्हें दंडित किया गया है, पिछले जो अनूप शहर थाने का मुकदमा था उसमें विवेचक निलंबित हो गए हैं, क्षेत्र अधिकारी लाइन से संबद्ध हो गए हैं, इंस्पेक्टर हटा दिए गए हैं और इस प्रकरण में भी यही कार्रवाई की गई है, जो इस हलके का प्रभारी था जिसका दायित्व इनकी सुरक्षा व्यवस्था का था, जिसके संपर्क में परिवारीजन थे, उस विनयकांत गौतम को निलंबित कर दिया गया है, हलके के सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, थाना प्रभारी को हटा दिया गया है और सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई है, रिपोर्ट प्रेषित कर दी। जांच में क्या आया, किस तरीके से आया? अब देखिए, जांच के विषय में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, बिल्कुल वादी के साथ है। पुलिस की शुरुआती जांच में क्या आया, उसने खुद आग लगाई या फिर आग लगाई? इस संबंध में मेरे स्तर से कोई टिप्पणी अभी करना शुरुआती दौर में उचित नहीं। परिवार को सुरक्षा दी जाएगी? बिल्कुल सुरक्षा दी जाएगी और लगातार हम इनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का मामला, एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।